बता दें बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है, वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। फरवरी महीना जब पुलवामा में अटैक हुआ था, कई हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद बालाकोट में अंदर घुसकर हमारे सेना के जवानों की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसमें नुकसान पहुंचा था। एलओसी पार पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स हैं, और इसका अब वीडियो जारी किया गया है सेना की ओर से। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, वायुसेना की ओर से बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है, और तस्वीरें आपके सामने। ये वही वीडियो जो सेना की ओर से, वायुसेना की ओर से जारी किया गया है। पाकिस्तान को जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से पूरी कोशिश की गई थी नकारने की इस हमले को, जो हमारे सेना के ओर से किया गया था, हमारे सेना के जवानों की ओर से आतंकियों को तबाह करने के लिए किया गया था। और अब ये जो तस्वीरें हैं वो प्रमाण पाकिस्तान को, हालांकि पहले भी भारत कई प्रूफ इसके दे चुका था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान वो चीज जो कभी सुधर नहीं सकता, और ये तस्वीरें कम से कम देखनी चाहिए। पाकिस्तान में घुसकर किस तरह से तबाही सेना के जवानों ने मचाई थी, उसका वीडियो वायरल अब कर दिया गया है। ये वही वीडियो है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक जो की गई थी, उसका वीडियो रिलीज किया गया है, वीडियो जारी किया गया है। तस्वीरें देखिए, पूरी तैयारी की गई थी, बदला लिया गया था 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये रणनीति तय की गई थी एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जो भारत है, जो भारतीय सेना है, वो बदला लेगी जिस तरह से पहले लिया गया था, लेकिन एयर स्ट्राइक का फैसला सेना की ओर से लिया गया। और अब वीडियो देख रहे हैं आप, वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी कर दिया है, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में इसी साल 26 फरवरी को की गई थी, जब पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था। और ये एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको जी मीडिया पर हम, जो भारतीय वायुसेना की ओर से वीडियो जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयर बेस से जो हमारे विमान हैं वो उड़े थे, पाकिस्तान में सीधा एंट्री की थी, आतंकी अड्डों को पाकिस्तान में घुसकर तबाह किया गया था। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। तलवी बटालियन के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा इस अनूठे संगठन की। तलवी बटालियन के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह
भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन हमारे साथ फोन लाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल तेज टीकू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है सर आपका बहुत जी मीडिया पर। वीडियो जारी किया गया है वायुसेना की ओर से, आपका रिएक्शन सर इस बात, मानते हैं कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को करारा तमाचा, उसके मुंह पर सबूत चुकी कई मांगे पाकिस्तान ने? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा ये तमाचा उन लोगों पर है जो हिंदुस्तान में इसका प्रूफ मांग रहे थे। पाकिस्तान को तो अभी चोट लगी थी तो उनको तो एग्जैक्टली पता था क्या उनका नुकसान हुआ है, और वो चीज को आपकी पब्लिक छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मतलब कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि देश के अंदर जब लोगों ने बोला इसका क्या प्रूफ है, आपने तो जंगल बर्बाद किए, मुझे लगता है ये ज्यादा रेलेवेंट जो है हमारे देश में बैठे हुए स्केप्टिक्स के लिए है जो हमेशा देश की सेनाओं के पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कितनी जरूरत सर समझी जा रही थी इस वीडियो के सामने आने की, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ओर से सवाल उठाए गए थे? वीडियो का तो आना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के युग में आप किसी भी चीज को छुपा नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इतना सक्रिय है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से धरती का कोई भी कोना जो है वो सर्विलेंस के बगैर नहीं रहता है, और इतनी बड़ी कार तो हमेशा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हमेशा ही रहेगा। तो आज एयरफोर्स ने जारी किए हैं, खुश हूँ इस बात से, सभी देशवासियों को खुश होना चाहिए, हमें अपने एयरफोर्स के ऊपर गर्व है, उनके पराक्रम के ऊपर गर्व है, और उन्होंने ये जारी किया है, मुझे लगता है देश के मनोबल के लिए बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल, देश के मनोबल के लिए अच्छा है। लेकिन जब इस तरह के सवाल सर पूछे जाते हैं, चूंकि आज भी जब जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त को अगर हम अपने दिमाग में कभी लाते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितना क्षति पहुंची थी जब पुलवामा में हमला हुआ था, लेकिन मुंहतोड़ जवाब हमारे सेना के जवानों ने दिया, उस पर भी जब सवाल उठे तो बहुत ठेस सेना को भी पहुंचती है इस तरह की चीजों से। हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि सेना की कार्रवाई जो है उसके ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सेना को भी इसमें घसीटा जा रहा है। जितने साले सारे बयान आए सेना विषय में कि जब नेता ने ये बोला कि सेना को ज्यादा मार रही है और मिलिटेंट्स को कम मार रही है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो तब भी सवाल उठाए, जब डीजीएमओ ने उसका एक वर्णन दिया था प्रेस के सामने, तो हम राजनीतिक दलों को इस बात को अपने बात ये अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी वो सेना एक काम पर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उससे सेना के मनोबल में बहुत चोट पहुंचती है और देश को ही इससे नुकसान होता है, इसलिए उनको राजनीति से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की ओर से चूंकि ये वीडियो सर जारी किया गया है ऐसे वक्त में जब त्योहारों का मौसम चल रहा है और अलर्ट पर दिल्ली और आसपास के इलाकों को रखा गया है, चूंकि 370 हटने के बाद पूरी तरह से बौखलाहट आतंकियों में है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्हें याद दिलाएगा कि अगर इस तरह की कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उसका। एक्चुअली ये सिर्फ आतंकवादियों के लिए ही नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर और अमेरिका में जाकर किस प्रकार का दुष्प्रचार किया है भारत के विरुद्ध, उन्होंने कितनी बार एक मंच से नहीं कई मंचों से उन्होंने देश के हमारे देश के ऊपर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी है। उनके लिए भी है ये मैसेज कि भाई आप अपने घर को संभालो, कोई भी छेड़खानी आप करोगे तो बालाकोट एक बालाकोट नहीं होगा, कई सारे बालाकोट हो जाएंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान वही चीज है, वही पाकिस्तान है जो कभी सुधर नहीं सकता। सर इस वीडियो के बाद भी क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का वही रटा रटाया जवाब वही चीज होगी कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी नकारेगा पाकिस्तान, चूंकि अभी तक जो करता आया है वो उसमें जो हमेशा डिनाइल मोड में आता है, उसके जो ऑफिस इंडिया में और कश्मीर में वो भी डिनाइल
तो वो है उसको डिनाई करते जाएंगे और डिनाइल मोड में वो जिस दिन वो डिनाइल मोड से हटेंगे तो उनके सामने रियलिटी आ जाएगी और रियलिटी वो है कि उनको एक अच्छा हमसाया बनकर रहना पड़ेगा, जिहाद की बात छोड़नी पड़ेगी, आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर आर्मी के जो कठपुतली है वो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर को अपने कब्जे में उनके थ्रू रखेंगे। तो पाकिस्तान तो इसको भी डिनाई करेगा, इसमें तो कोई शक हमें होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स इन डिनायल, परमानेंट डिनायल। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो सरकार की ओर से वीडियो रिलीज किया गया है। सर, इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से प्लानिंग जो हुई थी वो तो बहुत सीक्रेट रखा गया था, लेकिन उसके बाद जब एग्जीक्यूट इसे किया गया था तो क्या हुआ था? वहां पर पेड़ नहीं गिराए गए थे, कितना नुकसान, कितनी क्षति पहुंची थी वहां पर आतंकियों के कैंप्स को? हमें तो कभी कोई शकाई नहीं कि पेड़ गिराए गए हैं और आतंकी पर नुकसान नहीं हुआ। ये ऐसे इतना रिस्की ऑपरेशन इसलिए नहीं किया जाता कि आप कुछ पेड़ गिरा दें। बालाकोट बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ इलाका है और उनके ट्रेनिंग कैंप से, और ये ट्रेनिंग कैंप्स के विषय में तो आज भी खबर सूचना नहीं है। तो कई सालों से ऐसी इंटेलिजेंस बिल्डअप किया जाता है और एक सोर्स पर आधारित नहीं होता, अलग सोर्स होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है एंड पर, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको एंड में तो टेक्निकल, ह्यूमन और काफी सारी और टाइप इंटेलिजेंस चाहिए होती है ताकि आप एक सिनेरियो बिल्डअप करें। फिर आप निर्णय करना है कि जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं 120-130 किलोमीटर, तो क्या आपको उसका डिविडेंड एक्सेप्टेबल है, आपको मिलेगा कुछ उससे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? तो हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनके दिल में तो कभी कोई शक था ही नहीं। ये तो राजनीतिक दलों ने शक पैदा कर दिया कि आपने कुछ किया नहीं किया, क्योंकि वो लगा कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी इलेक्शन है। लेकिन अभी ये वीडियो आया है सामने तो इसका प्लानिंग एग्जीक्यूशन उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है और आज उन्होंने दिखाया है देश को। मुझे लगता है बिल्कुल। और सर, बालाकोट एयर स्ट्राइक की कितनी जरूरत आप समझते हैं? चूंकि 14 फरवरी को साल की शुरुआत में 2019 में जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ, हमारे कई जवान शहीद हुए, बनता था इस तरह का मुंहतोड़ जवाब? और हाल ही में सेना प्रमुख का बयान आया है सामने, उनकी ओर से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो सोचता है उससे कई आगे है, सिर्फ ना थल के जरिए बल्कि वायुसेना के जरिए भी हमले किए जा सकते हैं और भी बहुत ज्यादा विकल्प है, उनकी ओर से कहा गया? देखिए, बालाकोट एक एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक पहली कार्रवाई थी पिछले 30 साल में, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर कश्मीर के अंदर युद्ध की स्थिति बनाए हुए है, प्रॉक्सी वार लड़ रहा है इंडिया के साथ वो कश्मीर में, और हमने इसका कभी पाकिस्तान को जवाब, इफेक्टिव जवाब दिया नहीं था, क्योंकि वो लिटल भेजते हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीरियों का नुकसान होता है, इंडियन आर्मी का नुकसान होता है, उनके जहादी मर जाते हैं, तो जहादी तो बड़ी जब वो आ जाते हैं तो वो मरने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो कोई इसका असर पड़ता नहीं था, नुकसान हमारे यहाँ होता था। एक्चुअली 2011 जब मुंबई में हमला हुआ था, आप इंडिया के का ऑप्शन था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो गवाया कर रहे थे उस समय, तो उससे एक मैसेज चला गया पाकिस्तान को कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने की वजह से डर रहा है और हम कुछ कर पा नहीं रहे हैं, इसीलिए इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा। जब उन्हें फिर पुलवामा, बिल्कुल के दिल में बात बैठी थी कि इंडिया कुछ नहीं करेगा हमारे साथ, इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। तो बालाकोट स्ट्राइक एक प्रकार से जो वो लक्ष्मण रेखा थी वो हमने पार करी उस दिन, क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये बताया कि अगर आप कोई भी नुकसान हिंदुस्तान के ऊपर डालोगे, हिंदुस्तान को नुकसान करोगे कश्मीर में या कहीं और, तो आपकी इसकी कीमत बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और बालाकोट स्ट्राइक जो था उस थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस किया, तब पाकिस्तान को दोबारा सोचना पड़ेगा कि अगर वो कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर और इससे भी बारी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो भी नेवी है, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से,
मिसाइल हैं, कई सारे विकल्प हैं, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पाकिस्तान को ये बात तो अब पता चल गई होगी, हिंदुस्तान चुप नहीं करने वाला। अगर उन्होंने कोई भी गलती करी तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्या लगता है आपको, जानता है अंदर से ये बात, लेकिन बावजूद इसके बाहर से अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश करता है? यूएन में जिस तरह से परमाणु धमकी दी गई इमरान खान की ओर से। नहीं, पाकिस्तान तो अब पाकिस्तान को तो बिल्कुल रहा। पहले पाकिस्तान देखे बार बार न्यूक्लियर वॉर की, बालाकोट से पहले अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो न्यूक्लियर पावर एक आधा दो महीने में एक स्टेटमेंट देते थे, लेकिन बालाकोट के बाद तो वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर की ही थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान को। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर, वहां पर कई थिंक टैंक्स में जाकर, कई फोरम पर बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल करना, और बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने धमकी दी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए आप कश्मीर के अंदर मीडिएशन कीजिए, थर्ड पार्टी रोल है वहां पर। लेकिन वो कामयाब, फिर जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने दुनिया भर को ये बताने की कोशिश की कि अगर आप वो कश्मीर के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो जिसकी वजह से इंडिया ने उनको बोला कि आप ये स्टेट्समैनशिप नहीं, ये ब्रिंकमैनशिप है। और उस वजह से पाकिस्तान अब बिल्कुल टोटली जो है आइसोलेट हो रखा है, और लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि ये बहुत इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार बयान है, और इस देश के जितने सारे हैं वहां पर कभी भी कब्जा करता है, पूरे विश्व इस पर भरोसा हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जिम्मेदार स्टेट है जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन रखना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसमें भारत को बाकी देशों से बातचीत करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को कैसे डिफेंड किया जाए, उनके हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल सर, चूंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक की अब तस्वीरें आई हैं सामने, 370 का भी जिक्र कर लेते हैं। अभी कश्मीर के हालात जिस तरह के हैं, कुछ कई बार जो चैलेंजेस होते हैं सेना के सामने, भारतीयों के सामने, वो एक्सटर्नल फोर्सेस ना होकर इंटरनल फोर्सेस हो जाती हैं, तो क्या लगता है आपको इसको लेकर भी कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की ओर से? देखिए, अगर आप भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली कभी बाहर के विदेशी ताकतों से नहीं हारे, हार हमेशा हमारी तब हुई जब अंदर की ताकतों ने दुश्मन के साथ हाथ मिला करके भारत को ही नुकसान पहुंचा। ये हमारी हिस्ट्री रही है, और ये हिस्ट्री तो इसको आजकल भी आप वही देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान की रिपोर्ट जाती है यूनाइटेड नेशन में तो उसको किसको कोट किया जाता है, उसको हमारे देश के देशवासियों को कोट किया जाता है। देखिए, आपके लोग ही ये बोलते हैं, और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। तो आप अगर दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे अपने राजनीतिक फायदा करने के लिए, अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम तो बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि आपको हमारे देश के अंदर जो कानून है उनका इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को बिल्कुल आइसोलेट करना चाहिए, और जो भी दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगा उसके हाथ काट देने चाहिए ताकि देश को हानि ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें आई हैं सामने, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करती है तस्वीरें, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा जिनकी ओर से सवाल उठाए गए थे। एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो सरकार की ओर से रिलीज किया गया है। 20 फरवरी को एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों की ओर से की गई थी, जिसमें खासा नुकसान आतंकी कैंप्स को पहुंचा था। हालांकि एग्जैक्ट फिगर नहीं आया था सामने कि कितने आतंकी मारे गए, लेकिन 250 से 300 के करीब आतंकी ऐसे जो कि जिन्हें ढेर कर दिया गया था इस एयर स्ट्राइक के जरिए। दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तितारान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में तब हुआ जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उनके इस रूप को देखते ही अर्जुन के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक शांत स्वरूप में आने की प्रार्थना की।
उससे उन्हें रण कौशल की क्षमता का संज्ञान हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में युद्ध क्षमताओं में अप्रत्याशित प्रगति की है और कई आधुनिक मशीनें वो विमान वायुसेना में शामिल हुए हैं। चलो भारतीय वायुसेना की भावी जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप तैयार किया गया एक हैवी लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। चिनूक को मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये हेलीकॉप्टर ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। राफेल इज एन एक्सेप्शनली केपेबल मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट। इस अत्याधुनिक फाइटर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ये फाइटर जेट दुश्मन के हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से समर्थ है। अपाचे इज द मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। ये अटैक हेलीकॉप्टर दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में 3 सितंबर 2019 को शामिल किया गया। सतह से हवा में मार करने वाली स्पाइडर और आकाश मिसाइल अपने क्विक रिएक्शन के लिए जानी जाती है। ये मिसाइल बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों को साधने में पूरी तरह से सक्षम है। With the induction of cutting-edge technologies and force multipliers, critical factors such as lethality, range and precision have been enhanced considerably. वर्ष 2018-2019 भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। नए इंडक्शन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का सिलसिला निरंतर चलता रहा। नीली वर्दी वाले वायु योद्धाओं की पेशेवर कुशलताओं में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की गई।